हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि वेग और वेग के प्रकार क्या होते हैं, चाल और चाल के प्रकार क्या होते हैं, चाल और वेग में क्या अंतर होता है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, आगे हम लोगों का क्या टॉपिक है कि भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। ठीक, तो त्वरण क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें त्वरण की, तो क्या होता है ये कि कोई मान लो आदमी है, ठीक, वो क्या कर रहा है, आदमी भाग रहा है। ठीक, स्टार्टिंग में अभी भागना स्टार्ट किया, तो समय के साथ, ठीक, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, मतलब धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। ठीक, मान लो अभी भागना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होगी, उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ रही होगी। क्या एकाएक क्या करे वो, क्या तेजी से चलने लगेगा या भागने लगेगा? नहीं, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक, बाइक स्टार्ट करी, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब क्या होगा कि समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लो पहले कुछ थी, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ के कुछ हो जाएगी। ठीक है, तो हम ओवरऑल क्या बात करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या व्यक्त करते हैं, जो भी लिख लो, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको प्राय किससे करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, बोल रहा हूं, अगर यहां पे दिख ना रहा हो तो लिख लेना, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इतनी बातें इसके साथ हम लोग याद करके चलेंगे कि क्या है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फार्मूले में ले लेते हैं कि क्या होता है त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वस्तु के वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर वस्तु के वेग में परिवर्तन। ये परिवर्तन क्यों बोला, क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो गाड़ी तेज चल रही होगी तो धीरे 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 समय के साथ अगर हम ब्रेक लगाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी रुक भी सकती है, मतलब तब भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब गाड़ी अब क्या हो रही है, धीरे धीरे रुक रही है। ठीक, तब भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही ना वेग में, हाँ हो रही है। ठीक है, तो त्वरण क्या है, वस्तु के वेग में परिवर्तन, मतलब कभी वृद्धि भी हो सकती है, कभी कमी भी हो सकती है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। ठीक है, समयांतराल हो गया, त्वरण बराबर क्या, वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। ठीक, एक तो ये हो गया, एक क्या और लिख सकते हैं, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, एक और हो सकता है, इस परिवर्तन को हम क्या लिख दें, मान लो स्टार्टिंग में वेग उसकी क्या था, स्टार्टिंग में उसका वेग क्या था, V1 था, बाद में कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मान लो प्रारंभिक कुछ स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी रही होगी, कुछ उसका वेग रहा होगा, तो हाँ कुछ रहा होगा, मान लेते कुछ भी रहा होगा, बाद में कुछ हो गया होगा, बढ़ के या घट के कुछ हो गया होगा। ठीक, तो क्या होगा, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा कितना, बटा हो जाएगा आपका समय अंतराल। ठीक है, यहां पे भी समय अंतराल लेते हैं। ठीक, समय अंतराल, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा के समय अंतराल। ठीक, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके मात्रक की। ठीक है, बात करते हैं इसके मात्रक की, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा,
भैया त्वरण का मात्रक क्या होगा, यही अपने पास क्या होता है, ये त्वरण का फार्मूला, वेग परिवर्तन। ठीक, तो वेग परिवर्तन है तो वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उसकी यूनिट बदल जाएगी, जो वेग का होगा वही वेग परिवर्तन का भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, वेग परिवर्तन का होता है अपना मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बटा कितना, नीचे का समय अंतराल रहता है वेग परिवर्तन बटा के समय, तो वेग परिवर्तन का ये हो गया और समय अंतराल का क्या हो जाएगा, समय का भी सेकंड। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगा निकल करके कि मीटर पर ये सेकंड ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि मीटर सेकंड स्क्वायर को, सेकंड को क्या कर दिया, सेकंड स्क्वायर को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। तो ऊपर करेंगे तो क्या होगा, जो यहां पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहां क्या है पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका इसका फील क्या होता है, इसका फील क्या होता है, जैसे अगर वेलोसिटी लिखा होता, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो इसको तो हम बता देते हैं कि एक सेकंड में कोई वस्तु जितनी जितना विस्थापन तय करेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेग बोलेंगे। ठीक है, हर एक सेकंड में कोई वस्तु जितना विस्थापन तय कर रही है उसी को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। लेकिन भैया इसका क्या फील है, इसको कैसे बताएं, समझ में नहीं आ रहा है, सोच के देखो कैसे बताएं। ठीक है, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं कैसे पढ़ते हैं इसको। देखो यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ने में क्या होगा, दिक्कत होगी, यहां से पढ़ते हैं हर एक सेकंड में। ठीक, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, फील करो कि हर एक सेकंड में किसी वस्तु के वेग में, ठीक, कितना परिवर्तन या मतलब कितना परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, उसी को त्वरण कहते हैं। हर एक सेकंड में वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। देखो हर एक सेकंड में किसी वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये यहां तक नोट करिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां तक नोट करिए। फिर आगे देखिए, जैसे मानो अपने पास क्या है कि एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, v1 है। ठीक, कह लें प्रारंभिक वेग v1 है, चलो हटाओ, एक वस्तु है उसका t1 समय में, ठीक, t1 समय में वेग कितना है, v1 है, और t2 समय वेग कितना है, t2 पे वेग आपका v2 है, t2 पे वेग v2 है। तो बताइए कि कितना त्वरण होगा इसका, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन, a बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, पहले कितना था v1, t1 पे कितना था v1, t2 पे कितना v2, ठीक, वेग कितना v2। तो ये बताओ ये अंतिम होगा ये प्रारंभिक, ठीक है, अभी लिखवाए थे, तो अंतिम वेग माइनस v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा कितना समय अंतराल, तो कितना हो जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, फाइनली क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसको v2 माइनस v1 को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक, डेल्टा भी का मतलब कि बता रहा है कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा भी का मतलब वेग में परिवर्तन, डेल्टा भी का मतलब v2 माइनस v1। ठीक, और इसी तरीके से ये आ जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्या, t2 माइनस t1। तो इतनी बातें नोट करिए, ठीक, इतनी बातें नोट करिए कि a बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा कितना ये समय अंतराल, t2 माइनस t1, ठीक, बाद वाले समय में से पहले वाले समय को घटा देंगे, तो ये डेल्टा v बटा डेल्टा t भी आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डेल है, ये परिवर्तन बताता है, क्या बताता है, परिवर्तन। ठीक है, तो यहां तक नोट। चलिए जैसे क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो तीसरे सेकंड पर वेग कितना था, वेग था आपका मान लो 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पर वेग कितना था 2 मीटर पर सेकंड। सवाल ऐसे ही दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं कि तीसरे सेकंड पर, ठीक, तीसरे सेकंड पर वेग कितना था 2 मीटर पर सेकंड। मान लो इसके 5 सेकंड, ठीक,
पांच सेकंड बाद नहीं, पांचवें सेकंड पर, किस पर? पांचवें सेकंड पर, ये तीसरे सेकंड पर वेग कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। पांचवें सेकंड पर एट अ 5 सेकंड, ठीक, पांचवें सेकंड पर वेलोसिटी कितना हो गया? मान लो हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बढ़कर के कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? भैया तीसरे सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड था, पांचवें सेकंड पर कितना हो गया वस्तु का वेग? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? क्या करेंगे? v2 - v1 / t2 - t1 साथ में बोलो। चलो v2 कितना अपना? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, और v1 कितना? 2 मीटर पर सेकंड। देखो t2 कितना भैया? 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड, और माइनस t2 कितना? 3 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8 और 5 से 3 गया कितना 2, फाइनली कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक खुद से ट्राई करिए कि मान लो दे रखा है आपको टाइम, दे रखा है 4 सेकंड पर एट अ 4 सेकंड, ठीक, एट अ 4 सेकंड वेलोसिटी कितनी, प्रारंभिक वेग कितना? 4 सेकंड पर वेग कितना आपको दे रखा है? 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक, और बढ़के कितना हो गया? मान लो बढ़के हो गया 6 सेकंड पर, एट 6 सेकंड पर, 6 सेकंड पर वेग कितना मान लो हो गया? 12 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 6 सेकंड पर 12 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहां पे एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा, यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे बताएंगे? भैया v2 - v1 फार्मूला है ना, v2 - v1 / t2 - t1, तो क्या हो जाएगा? 12 - 8 / 6 - 4, तो फाइनली कितना आएगा? देखो अब इस बार यूनिट नहीं लिखा मीटर पर सेकंड वगैरह, बाद में हम लोग लिख देंगे क्योंकि बढ़ोगे ना इतने देर में। a इज इक्वल टू कितना? मीटर पर सेकंड, इसकी a की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अब डाटा क्या आता है वो देखते हैं, क्या आ जाएगा? 12 में से 8 गया कितना 4 और 6 में से 4 गया 2, फाइनली कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना, 12 से 8 गया 4 और 6 से 4 गया 2, ठीक है, आ गया कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए और अपने बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है इस पे आधारित, इस पे बेस्ड उसको लगाइए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। कितने टाइप्स के होते हैं भैया? कितने टाइप्स के? अभी तो 2 लेते हैं, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, ठीक है। बाकी और है, जैसे धनात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, ठीक, शून्य त्वरण क्या होता है, ये भी है। लेकिन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? एक समान त्वरण की। तो एक समान त्वरण क्या होता है? जब क्या हो, कोई वस्तु क्या करे समान समयांतराल में, ठीक है, उसके जो वेग में परिवर्तन है, ठीक, उसके वेग में जो परिवर्तन है वो क्या हो? समान हो, ठीक। हर एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वो क्या है? समान आए, ठीक, समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन है वो अगर समान हो तो ऐसे त्वरण को क्या कहते हैं हम लोग? एक समान त्वरण कहते हैं। मान लो एक सेकंड में क्या आया? पहले सेकंड में आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसका जो परिवर्तन है हर एक सेकंड में क्या है? समान आए, परिवर्तन हर एक सेकंड में समान। मान लो पहले सेकंड में परिवर्तन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले में कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले में कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर बार जो उसके वेग में परिवर्तन है क्या आ रहा है? समान आ रहा है, ठीक। तो हर एक सेकंड में अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो? समान हो, तो ऐसे त्वरण को क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है नीचे की तरफ मुक्त रूप से, ठीक, फ्री फॉल। आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा, ठीक, अगले चैप्टर में आएगा हम लोगों के। तो जब फ्री फॉल होता है, ठीक, कोई भी चीज ऊपर से मान लो नीचे ऐसे गिर रही है, ठीक, सॉरी, ठीक है, नीचे क्या हो रहा है कि अगर कोई भी वस्तु गिर रही है तो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल की कंडीशन बोलेंगे, पहली बात, ठीक। और जो इसका त्वरण होगा, ठीक, हमेशा क्या होगा? सेम होगा। कितना भाई? गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक समान त्वरण का?
एग्जाम्पल हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, आगे देखिए क्या है, असमान त्वरण। क्या बता रहे हैं असमान त्वरण में, क्या बता रहे हैं हमको कि जब क्या करे किसी भी कोई भी वस्तु है उसके मतलब समान समय अंतराल में अलग अलग वेग में परिवर्तन हो। ठीक, समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक, मतलब पहले सेकंड में कितना समान समय अंतराल कैसा लेना है, समान, हर एक सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, मान लो कभी दो तो कभी तीन तो कभी चार तो कभी पांच, ऐसे परिवर्तन हो रहा है, मतलब अलग अलग परिवर्तन हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, इस प्रकार के त्वरण को हम लोग बोलेंगे असमान त्वरण। ठीक, असमान त्वरण, देखिए परिभाषा दोनों की आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में असमान परिवर्तन हो तो वस्तु का त्वरण समान असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या करिए इसको नोट करके लिख लीजिए। देखिए ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, असमान त्वरण आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक, ये कहां पे, इलेवेंथ में है, ठीक, ग्यारह में है। ठीक है, और ये आपका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये कहां पे, नौ में है। जब हम लोग एफ इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ेंगे, ठीक, कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो जो वो एक्सेलरेशन होगा वो किसके लिए होगा, त्वरण किसके लिए होगा, ये एक समान त्वरण होता है वो। ठीक, एफ इज इक्वल्स टू एम ए कहां तक वैलिड होगा, जब जब तक आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। ठीक, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कॉन्स्टेंट मास के लिए, तब एफ इज इक्वल्स टू एम ए क्या है, वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करिए, पॉज करिए और नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्या, त्वरण के प्रकार में ये भी अपने पास धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण भी है। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। धनात्मक त्वरण क्या होता है, देखो जब क्या हो, वस्तु के वेग में क्या आ जाए भैया, जो परिवर्तन हो रहा है ना वो क्या हो, एकदम बढ़ रहा है परिवर्तन, जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, उसके वेग में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, त्वरण के कारण अगर क्या करे, वेग बढ़े, त्वरण के कारण अगर वेग धीरे धीरे बढ़े तो जो त्वरण होता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। ठीक, वस्तु के वेग में, जिस त्वरण के कारण वस्तु के वेग में वृद्धि होती है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण बोलते हैं। ठीक है, शून्य ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, कि जिस वेग, जिस त्वरण के कारण वस्तु के वेग में क्या आ जाए, कमी आ जाए, वस्तु के वेग में कमी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। और शून्य त्वरण क्या होता है, कि अगर वस्तु क्या करे, एक समान वेग से क्या हो, चल रही हो, एक समान वेग से चल रही हो, ठीक, उसका वेग बदल ही नहीं रहा है, मतलब जो उसमें चेंजेस है कितना आया, जीरो, जो चेंजेस है उसके वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन है वो कितना, जीरो, तो त्वरण कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो जब क्या हो, यदि वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो वस्तु में, तो वस्तु में जो त्वरण होता है शून्य त्वरण कहलाता है। सबके डिफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे मानो स्टार्टिंग में कोई क्या कर रहा है, बाइक चला रहा है, ठीक, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या करता है भैया, बढ़ाता है, तो वेग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना वेग, जो उसका वेग बढ़ रहा होता है किसके कारण, त्वरण के कारण, तो वो कौन सा त्वरण कहलाएगा, जिस त्वरण के कारण उसके वेग में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, धनात्मक त्वरण बोलेंगे। ठीक, और अगर क्या करे, वो धीरे धीरे ब्रेक मार रहे लगे, क्या करे, ब्रेक मार रहा है, ठीक, गाड़ी तेज चला रहा था, अब धीरे धीरे ब्रेक मार रहा है, उसको रुकना है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसके वेग में कमी आएगी ना, तो कुछ तो कर रहा है वो त्वरण में, ठीक, ऐसा त्वरण जो उसके वेग में क्या क्या ला दे, कमी ला दे, उसके वेग में कमी ला दे, तो ऐसे त्वरण को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। ऐसे त्वरण को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। और शून्य त्वरण क्या होता है, बता दिया है। ठीक, तो इसको क्या करिए, एक बार पॉज कर लीजिए और जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक इस पे बढ़िया सा न्यूमेरिकल, फिर काम इसका खत्म। अच्छा, एक चीज और, कि मंदन क्या होता है भैया, यही है मंदन, ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग, मंदन बोलते हैं। उसके वेग में क्या आ रहा है, कमी आ रही है ना, उसके वेग में कमी आ रही है, उसे वो क्या बोलते हैं, मंदन या रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक, तो मंदन बराबर क्या हो जाएगा, मंदन बराबर क्या हो जाएगा, वेग में कमी, वेग में कमी बटा के समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ये वेग में कमी हो रही होती है, तो मंदन बराबर क्या, वेग में कमी बटा समय अंतराल। तो इतना क्या करिए, नोट करिए और पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, न्यूमेरिकल लिया है इसका,
थर्ड के लिए क्या कि एक लड़का है साइकिल से स्कूल जा रहा है, ठीक है, एक लड़का है क्या कर रहा है साइकिल से स्कूल जा रहा है, ठीक, साइकिल का वेग 2 सेकंड में, साइकिल का वेग 2 सेकंड में, ठीक, कितना 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक, कितने 2 सेकंड में, यहां पे T2 माइनस T1 नहीं करना, ये दे दिया कितने सेकंड में 2 सेकंड में, ये नहीं बोल रहा कि इस सेकंड पर फिर इस सेकंड पर, नहीं, क्या बोला कि 2 सेकंड में, समय अंतराल इसने दे रखा है 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो बताओ कि त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा, ठीक, तो क्या करेंगे भैया, साइकिल से जा रहा था 2 सेकंड में बढ़ करके इसका वेग कितना हो गया 10 मीटर से 20 मीटर हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो बताओ इसका त्वरण कितना होगा, त्वरण क्या होता है, वही अपना फार्मूला पुट v2 - v1 / t2 - t1, ठीक, अब देखो कोई सोचेगा यहां पर t2 - t1 कैसे निकाले, तो ये जो 2 सेकंड में दे रखा है, ठीक, और ये क्या होता है t2 - t1 कि t1 पर कितना t2 पर कितना पर होता है, ठीक, और t2 - t1 ये पूरा ये जो t2 - t1 है यहाँ पे क्या है 2 ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या होगा, जैसे वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है, 2 सेकंड में पूछ रहे ना, तो दे दिया t2 - t1 दे दिया, निकालना नहीं है, ठीक, v2 - v1 कितना भैया 20 माइनस कितना 10, t2 - t1 दे रखा है 2, ठीक, 20 में से 10 गया 10, 2 काट दिया, कितना बचा भैया एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है बता रखा है मीटर पर सेकंड, तो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी भैया वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, ठीक, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 11th में आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक, ये वेक्टर ए बोलते हैं इसको, तो एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप लोग क्या करिए इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करिए, इसके बाद हम लोग क्या लेके आएंगे अगला वीडियो मेरा आएगा किस पे कि गति के समीकरण क्या होते हैं, ठीक, गति के समीकरण पर जो है वीडियो आएगा अगला वाला, ठीक, तब तक के लिए क्या आप लोग इस पे क्वेश्चन लगाते रहिए, बाकी बाद में हम लोग जो है इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, जैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं पढ़ा लूंगा तो मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब बढ़िया बढ़िया जो हो सकते हैं, ठीक, वो लोग हम लोग क्या करेंगे उसको कर लेंगे, ठीक है।